सीटेट की परीक्षा में स्कूल प्रशासन ने दबोचे एक मुन्ना भाई, किया पुलिस के हवाले, हजारों रुपये लेकर देते थे दूसरे की परीक्षा। जनपद मैनपुरी में बीते 31 जनवरी को हो रही सीटेट परीक्षा में विद्यालय प्रबंधन द्वारा दूसरे के नाम से दे रहे फर्जी छात्र को जांच के दौरान पकड़ लिया था, जिसे मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में बारीकी से जांच करते हुए अन्य दो और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दो सदस्य भाग जाने में सफल हो गए। आपको बता दें कि यह सदस्य परीक्षाओं के नाम से हजारों रुपए की धन उगाही करते हुए दूसरे की परीक्षा स्वयं देते थे। आरोप है कि जनपद मैनपुरी में बीते 26 केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा दिलाई गई थी और इस परीक्षा को पास कराने के नाम पर 50,000 तक सुविधा शुल्क वसूला गया था। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र के ग्राम अरवा के समीप स्थित बालाजी अकेडमी कहा है, जहां राहुल कुमार वर्मा निवासी इटावा रोड देवर के स्थान पर महेंद्र सिंह दे प्रवेश पत्र स्कैन कर अपना फोटो लगा दिया था और परीक्षा देने गया हुआ था, जिसे विद्यालय प्रबंधन ने जांच के दौरान पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसकी जांच पड़ताल करते हुए पुलिस नकल माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने दो और अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए तीनों को जेल भेज दिया है, जबकि दो अन्य भाग जाने में सफल हो गए। यह गैंग के सदस्य इन कठिन परीक्षाओं को देने के लिए परीक्षार्थियों से 50,000 तक की रकम वसूलते थे। मैनपुरी से दिलनवाज की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। कल जो है जनपद मैनपुरी के 26 सेंटर्स पर सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें थाना बिछवा क्षेत्र में बालाजी ग्लोबल एकेडमी अहिरवा एक स्थान है, उसमें सेंटर पड़ा था और इसमें एक परीक्षार्थी संदिग्ध पाया गया। इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी भोगांव जाके इसकी जांच किए तो ये पाया गया कि महेंद्र बहादुर नाम का एक लड़का जो संदिग्ध था परीक्षा दे रहा था और ये राहुल वर्मा नाम के लड़के की परीक्षा दे रहा था। इसकी विस्तृत जांच की गई, परीक्षा केंद्र प्रभारी से इसमें तहरीर प्राप्त की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और गहराई से पूछताछ की गई तो इसमें दो अन्य परीक्षार्थी, इसमें अन्य जो लड़के हैं वो इसमें प्रकाश में आए, जिसमें अक्षय पुत्र ज्ञान प्रकाश की गिरफ्तारी की गई है और अभी ब्रजेश सोलंकी की गिरफ्तारी शेष है। टीम हमारी काम कर रही है। सर, इसमें एक पुलिस में जॉइनिंग ट्रेनिंग भी ले सकती हो गया था। ये बताया जा रहा है कि इसमें ये जो महेंद्र बहादुर है ये संभवतः आरक्षी की परीक्षा पास कर चुका है और अभी ट्रेनिंग में जाने वाला था कुछ समय बाद। इस संबंध में और भी तथ्य इकट्ठे किए जाए। अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, क्या उनसे पूछताछ के दौरान ये निकल के आया, इसके अलावा उन्होंने कहीं इस तरीके की परीक्षा दी है? अभी ये जानकारी की गई है। इसमें एक व्यक्ति अभी